एवरीवन वन फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दो अमेजिंग आइडिया वो भी ब्लाउज पीस से यस गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास ऑलरेडी ब्लाउज होता है जिसकी वजह से हम साड़ी का नया ब्लाउज स्टिच नहीं करवाते हैं और कभी कभी हम रेडीमेड ब्लाउज ही ज़्यादा लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसे स्टिच करवाना अस्तर लेना ये वो बहुत सारी इसमें तान तानझान होती है तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक ब्लाउज खरीद ले तो वो कई साड़ियों के साथ हम एंड मैच कर सकते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के बहुत सारे ब्लाउज पीस अक्सर हमारे पास पड़े हुए होते हैं सो अगर आप भी इस तरीके के ब्लाउज पीस आपके पास पड़े हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आई श्योर कि आपको ये दोनों आइडिया बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए बिना देरी किए जरूर करते हैं आज का वीडियो सुगह so सबसे पहले पहला आइडिया जिसके लिए मैंने एक फैब्रिक को रेक्टेंगल पीस में कट कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है सिक्सटीन बाइट वन इंच इस तरीके का कोई भी फैब्रिक आपके पास है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अब मैंने ली है एक ट्रांसपेरेंट सीट और इसको भी देखिए मैंने इस तरीके से सिक्सटीन इंच में एक साइड से और सेकेंड साइड से एलेवन इंच में कट कर लिया है ये जो ट्रांसपेरेंट सीट है वो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से या तो फिर यूज़ एंड थ्रो की जो चीज़ें मिलती है कप बाउल वगैरह वहीं से मिल जाएंगी अब मैंने एक ज़िप ली है और इस तरीके के घोटा पट्टी ली है सबसे पहले हम घोटा पट्टी को लेंगे और इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर हम स्टिच करेंगे आप यहाँ पर और कोई लेस का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं पुरानी साड़ी की कोई पतली सी लेस आपके पास पड़ी है तो उसका यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अब देखिए एक और मैं पट्टी लूँगी और उसे भी यहाँ पर इस तरीके से साइड में ही अटैच कर लूँगी बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान तरीके से ये अटैच हो जाती है हमें इसके ऊपर सिर्फ एक सिलाई करनी है तो ये मैंने इस तरीके से अटैच कर ली पट्टी अब यहाँ से सेकंड साइड से हम इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे सेम तरीके से एक और स्ट्रिप हम अटैच कर लेंगे सो so गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने गोटा पट्टी को अटैच कर लिया है अब एक और गोटा पट्टी की स्ट्रिप लेंगे और इस तरीके से हम एक बो बनाकर उसे रखेंगे और यहाँ पर हमें टाँके लगा लेने हैं या फिर आप ग्लूप से भी इसे चिपका सकते हैं तो ये मैंने टाँके लगा कर इसे चिपका लिया है आप चाहें तो इसके ऊपर एक सो बटन भी लगा सकते हैं अब हमें जिप लेनी है जिप को हम ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर इस तरीके से उल्टी रखेंगे यानी कि ट्रांसपेरेंट सीट की और जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी अब इसे हम इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और इस तरीके से जिप को हमें दबाते हुए ऊपर प्रेस्टिच कर लेनी है तो ये देखिए ये हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है ट्रांसपेरेंट सीट के साथ अब हमने जो फैब्रिक लिया था वो हमें लेना है और इसे देखिए हम जिप के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ पर मैंने अस्तर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा फैब्रिक अच्छा है अगर आपके ब्लाउज पीस में वर्क किया हुआ है या फिर वो थोड़ा सा पतला कपड़ा है तो आप इसके साथ अस्तर का ज़रूर इस्तेमाल करें अब देखिए इस तरीके से कपड़े को लगाने के बाद उसे सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस्टिच कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो चुका है अब इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर देखिए मैं साइड में इस तरीके से तीनों साइड अब पकड़कर सिलाई कर, कर लूँगी बहुत इजी तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है आप इस तरीके से एक ब्लाउज पीस में से अपने साड़ी कवर का पूरा सेट बना सकते हैं ये मैंने साड़ी कवर बनाना बताया है आपको तो बहुत ही इजी तरीके से आप साड़ी कवर बना सकते हैं अब मैंने एक स्ट्रिप ली है इसे बीच से मैं कट कर लूँगी तो ये इस तरीके की लंबी स्ट्रिप बन जाएगी यानी कि हमें समथिंग वन पॉइंट फाइव इंच चौड़ाई की लंबी स्ट्रिप लेनी है तीनों साइड हो जाए इतनी और इससे हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई और कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा मैंने शेम कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है अगर आप लाइनिंग वाला कपड़ा या फिर डॉट वाला कपड़ा यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो ये देखिए स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है अब इसे हम इस तरीके से राइट साइड पर टर्न करेंगे ऊपर की साइड और फिर डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे तो बहुत इजी होता है इस तरीके से स्ट्रिप अटैच करना पाइपिंग करना तो जिससे कि इसका लुक साड़ी कवर का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा इस तरीके के साड़ी कवर आप बनाकर खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी को साड़ी या सूट गिफ्ट करना चाहते हैं तो सिंपल है ये बहुत ही इसके अंदर आप पैक करके उसे देंगे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर आपका गिफ्ट दिखेगा और ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है आपके पास तो बेडशीट का कवर है या फिर लैंगिस में आते हैं वो प्लास्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं अब आती है नेक्स्ट आइडिया के बारे जिसके लिए भी मैंने ब्लाउज पीस का फैब्रिक लिया है और सेम साइज़ का फोम और अस्तर ले लिया है अब इन तीनों को मैं अटैच कर लूँगी चारों ओर सिलाई करके इसे वह फिक्स कर लूँगी आपके पास साड़ी के पल्लू का या और कोई भी इस तरीके का सुंदर सा कपड़ा पड़ा है तो उसका यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर बीच में सीधी सीधी सिलाइयाँ करके क्विल्ट कर लिए हैं अब इसका मेज़रमेंट आपको बता दूँ तो 18 बाय 16 इंच का ये मेरा रेडी पीस है अभी से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से कट करेंगे अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप ऐसा जरूरी नहीं है इतना बड़ा पीस लेना ये हमें दो पीस की ज़रूरत है तो आप इसके छोटे दो पीस है कपड़े के तो वो भी ले सकते हैं अब कोई भी एक पीस लेना है और उसके ऊपर देखिए हम इस तरीके से सिक्स इंच पर मार्क करेंगे फिर से एक बार सिक्स इंच पर तो ये तीन हिस्सों में हमारा सिक्स इंच के तीन हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा अब इन सभी को जहाँ पर मार्किंग की थी हमने उसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो ये देखिए ये हमें इस तरीके के तीन हिस्से मिल चुके हैं तो कोई भी एक हिस्सा मैं लूँगी और इसे भी इस तरीके से फोल्ड करके मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी उसके बाद हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए इस तरीके से मैं राइट साइड पर रखूँगी उल्टी और सीधी सिलाई कर लूँगी उसके बाद हम प्रेस्टिच कर लेंगे अब हमें दूसरा कपड़ा लेना है जो दूसरा हिस्सा था वो लेंगे और उसे भी हम इस तरीके से ज़िप के साथ अटैच कर लेंगे ज़िप के साथ अटैच करने के बाद इसमें भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे तो सेकंड साइड पर टर्न करना है और ज़िप को दबाते हुए हम यहाँ ऊपर सिलाई कर लेंगे सेम इसी तरीके से हम एक और ज़िप लेंगे और दूसरे तीसरा जो हिस्सा था उसे भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे तो ये देखिए दो ज़िप हमारी अटैच हो चुकी है अब जो हमने बीच में मार्किंग करी थी ना वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे अब एक और हम कपड़ा लेंगे अस्तर के लिए और इसके नीचे रखेंगे और चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे तो ये देखिए ये हमारा एक पॉकेट इस तरीके से दोनों पीस पर रेडी हो चुका है अब एक और जिप लेनी है हमें और इन दोनों पीस के बीच में हम ज़िप को अटैच कर लेंगे अब मैंने एक स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप देखिए ये मेरी लंबाई है इसकी फिफ्टी वन इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है थ्री इंच ये मैं फोल्ड करके इसकी हैंगर बनाऊंगी हैंडल बनाऊंगी पर अगर आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हैं और उसका भी यूज़ कर सकते हैं कई सारी अलग अलग डिज़ाइन की डोरियाँ मार्केट में मिलती हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं या फिर आप साड़ी की लेस होती है उसका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं पट्टी सी लेस का तो ये मैंने फोल्ड कर लिया और इसे इस तरीके से बीच वाली जो जिप हमने लगाई थी वहाँ पर दोनों साइड इस तरीके से अटैच कर लूँगी अब हमें एक और फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ हिस्सा था रेडी किया हुआ वो लेंगे और इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इसे चारों ओर सिलाई करके अटैच कर लेंगे तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है अब जो बीच वाली जिप थी बाहर की साइड दिख रही है वहाँ से हम रनर को खोल कर इसे सीधा करेंगे और उससे पहले हमें यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर कट कर लेना है इस तरीके से तो इसके जो कॉर्नर है वो बाहर अच्छी तरह से निकलेंगे और इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी तो ये देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है बहुत ही अच्छे से ये हमारा एक बैग बनकर रेडी हो चुका है आखिर इस तरीके के स्लिंग बैग सभी को पसंद होते हैं इसमें हमने तीन पॉकेट बनाए हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कोई भी इसे बना सकते हैं और ये इस तरीके से हमने बनाया है कि तीन जिप का इस्तेमाल किया है फिर भी इसमें पॉकेट फोर बने हुए हैं सो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और अच्छे से वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखना खुश रहना जय भारत